बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है उसको, ये गाना ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। उसने स्पेशली बोला था कि राजवीर से बोलने के बाद दीपिका को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा है, और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है स्पेशली मेरे काम को, छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ पकड़ती हैं, बट उसको ये गाना ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। उसने स्पेशली बोला था कि राजवीर से बोलने के बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। तो हम इस तरीके से पहली बार साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब एक इमेज जो राजवीर की है, प्रोडक्शन की ये चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा अब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है राजवीर से, इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। तो राजवीर बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। व्हाट्स नेक्स्ट बताइए भाई, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इनके साथ, इनके साथ हमारा एक प्लान है, शोएब जी और दीपिका मैम दोनों के साथ हमारा एक प्लान है, लेकिन अभी थोड़ा सा करेंगे उसको, क्योंकि पंजाब में शूट करना है, अभी ठंड बहुत होती है वहाँ पे। हाँ। तो थोड़ा ठंड कम हो जाए उसके बाद हम इनके साथ एक और गाना प्लान कर रहे हैं। सुरभि के साथ तो मेरा अच्छी लग रही है दोनों। हाँ, सुरभि के साथ तो मतलब पुरानी यादें हैं, पुराने रिलेशन है, जब हमने कोई लौट के आया साथ में शूट किया था, तो एक पल के लिए जब हम साथ में मिले तो ऐसे ही लगा कि यार शिट, मतलब 5 साल हो गए उस चीज़ को, 2017 में किया था, लेकिन जब मिले साथ में तो ऐसा लगा नहीं कि 5 साल हो गए हैं, ऐसा लगा हाँ अभी की तो बात थी, वही वॉर्म्थ, वही आपस में बात करने का तरीका, वही मस्ती मजाक वही था। एंड किस तरीके से शूट हो गया हमें खुद पता नहीं चला, सुबह 11 बजे से हमने शूट स्टार्ट किया, रात में कुछ 1:30 बज गए थे, बट वो कैसे टाइम बीता है। तो ये हैं हमारे म्यूज़िक कंपोज़र संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हाय, हाउ यू डू जी? एक बहुत बड़ी सच्चाई, आप कितना भी बेहतर गाना बना लो, अगर आपके गाने में फेस नहीं है तो आपके गाने की जीरो वैल्यू। एंड ही इज़ अ स्टार फेस नाउडेज, एंड मेरा इनके साथ थर्ड सॉन्ग है इस टाइम, एंड लोग इनको इतना पसंद करते हैं कि अगर शोएब भाई है गाने के अंदर तो गाने को और 4 चांद मिलते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू राजवीर भाई कि उन्होंने गाना दिया, एंड बहुत प्यारा वीडियो डायरेक्शन किया, इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है, तो मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं इन लोग के साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच संजीव जी। बट जैसा कि इन्होंने बोला, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब गाना अच्छा होता है, हर एक चीज़ पूरा एक पैकेज में होती है, फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो लिरिक्स हो, फिर डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंस, जब तक ऑडियो अच्छा नहीं होगा ना तब तक आप परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे आप? जब वो ऑडियो अच्छा होता है, लिरिक्स अच्छे होते हैं, साथ में कॉम्पोजिशन अच्छा होता है, देन फिर आप उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, फिर चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो अग्रेशन हो, कुछ भी हो। तो आई थिंक इस चीज़ की मैं दाद देना चाहूँगा संजीव जी की, बहुत ही अच्छा कंपोज किया है। एंड यस, अंकित तिवारी सर जिन्होंने बहुत ही बखूबी उस चीज़ को गाया है, आवाज़ में जो दर्द है, जो पेन है, वो बहुत निकल के आया है, तो शायद इसलिए हम सब की परफॉर्मेंस में वो चीज़ निकल के आई है। जब मेरे पास पहला गाना आया ना, तो मुझे ये था कि हाँ यार, ये ऐसा सॉन्ग मैंने अभी तक नहीं किया है। मैंने इमोशनल सॉन्ग किए हैं, आई थिंक जिए तो जिए हमने वो इमोशनल किया था, टूटा तारा हमने इमोशनल किया था, बट ये कुछ एक डिफरेंट जोन में था। अगर मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे वो बी प्राक वाला जोन, यू नो, वैसा वो याद आता है। तो जब गाना सुना सुकून से बैठ के, और एक नहीं, कम से कम 3-4 बार सुना, तो पहली बार में मुझे थोड़ा सा ओके लगा, फिर दूसरी बार सुना, फिर तीसरी बार सुना, फिर चौथी बार सुना, आधे घंटे के, 1 घंटे के बाद आई थिंक मैंने राजवीर को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि होता है कभी कभी आप सॉन्ग को सुन के ही आप समझ जाते हो कि चीज़ किस तरीके की होने वाली है, निकलने वाली है। एंड फिर उसके बाद जब शूट किया तो मज़ा आ गया। सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि सबका, जो हर एक चीज़ को इतना प्यार देते हैं, आप सब इतना अप्रिशिएट करते हैं, और इस यही आई थिंक यही एक रीज़न है कि जो भी गाना अब तक हमने किया है, मैंने किया है या मैंने दीपिका ने साथ में किया है, वो लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड गाना सुनते वक्त ना मुझे, मैं सच बताऊँ, मैं ना ही कभी ऐसा कोई देखता हूँ कि यार कोई बड़ा डायरेक्टर हो या कोई बड़ा लेबल हो, कुछ नहीं हो, गाना पहली बार सुनते ही ना कानों को अच्छा लग जाना चाहिए। और मैं हूँ 90s लवर, मैं बहुत, मुझे 90s का एरा मुझे बहुत पसंद है, 90s के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे
सुनेंगे तो मेरे कहीं ना कहीं वो एक फील रहता है, फिर चाहे वो मुस्कुराना हो चाहे वो आहिस्ता हो। तो अगर गानों को कानों को गाना अच्छा लग गया पहली सुनते ना, तो मतलब हाँ मैं उसको फाइनल कर देता हूँ कि नहीं यार ये ठीक है। वरना आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सेम तरह की आती हैं, तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। और शायद यही रीज़न है कि मैं बहुत सोच समझ के सॉन्ग स्पेशली मैं लेता हूँ और थोड़ा वक्त वक्त के बाद मैं सामने लेके आता हूँ।